राहुल तुम नहीं समझोगे, ये एक जाना माना डायलॉग है। ये सुनते ही सबसे पहले याद आती है फिल्म कुछ कुछ होता है कि अंजलि और राहुल की। फिल्म के डायलॉग को जिस तरह से याद किया जाता है उसी तरह से फिल्म को भी याद किया जाता है। अब अगर बात करें अंजलि यानी एक्ट्रेस काजोल के बारे में, तो हर किसी को वो चुलबुली सी शरारत करने वाली लड़की याद आती होगी जिनको बॉलीवुड की संपूर्ण अभिनेत्री कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा और आज हम बात करने वाले हैं काजोल के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड के तमाम सितारों के साथ काम किया और एक अलग ही मुकाम हासिल किया। उनके अभिनय की खूब तारीफें की जाती हैं, तो साथ ही बता दें कि काजोल फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उनकी माँ तनुजा मुखर्जी और मौसी नूतन फिल्मी दुनिया की जानी मानी हीरोइन रह चुकी हैं। तो चलिए आज जानते हैं काजोल की जिंदगी के इन कुछ खास बातों के बारे में, जब अपने जन्म से ही वो फिल्म इंडस्ट्री से जान पहचान बना चुकी थी और किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद अपनी एक्टिंग का डंका बजा डाला। काजोल, जिनकी खूबसूरती जिनके साधारण रूप रंग पर जमाना फिदा है, जिन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े से बड़े सितारों के साथ काम किया है। बात की जाए अगर उनके को स्टार्स के बारे में, तो फिर तो बात चाहे सलमान खान के साथ फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, या फिर अगर बात करें शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और अगर नजर डाली जाए आमिर खान के साथ फिल्म फना के बारे में, तो काजोल की जोड़ी को हर किसी के साथ खूब पसंद किया गया। तो वहीं उनके पति अजय देवगन के साथ जब जब काजोल ने फिल्मों में काम किया, तब तक लोगों ने इस जोड़ी को खूब सराहा। बता दें कि काजोल ने साल 1992 में फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया। हालांकि फिल्म को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन काजोल की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। तो साथ ही बता दें कि इस फिल्म के बाद काजोल ने साल 1993 में फिल्म बाजीगर में काम किया और इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया। और इस फिल्म के बाद काजोल ने शाहरुख खान के साथ फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काम किया और इस फिल्म के बाद इस हिट जोड़ी को कई फिल्मों में देखा गया। फिल्म DDLJ दर्शकों की सबसे पसंदीदा फिल्म रही है, आज भी दर्शक इस फिल्म को देखना बेहद पसंद करते हैं। वहीं इस फिल्म के बाद काजोल ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, तो वहीं दर्शक शाहरुख और काजोल को साथ में देखना खूब पसंद किया करते थे और कुछ समय पहले ही दोनों की फिल्म दिलवाले में भी दोनों साथ में नजर आए। काजोल को एक संपूर्ण अभिनेत्री कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। करियर की शुरुआत में फिल्मों का चयन उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से किया। तो साथ ही गौर कराना चाहेंगे कि काजोल हमेशा से ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखती हैं, क्योंकि उनकी माँ तनुजा भी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी स्टार रह चुकी हैं। वहीं उनकी मौसी नूतन फिल्मी दुनिया का एक जाना माना चेहरा है, तो वहीं उनके पिता भी एक फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं। यानी अब इस बात से ये तो साफ है कि काजोल की रगों में ही एक्टिंग का गुण है। वो चाहे जिस भी फिल्म में आए, वो चाहे कोई भी किरदार निभा ले, हमेशा ही काजोल की एक्टिंग को खूब सराहा गया। तो वहीं धीरे धीरे कर उनका करियर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और काजोल को एक के बाद एक सक्सेस मिलती रही और देखते ही देखते काजोल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो चुकी थी, जहां पहुंच पाना किसी भी अभिनेत्री के लिए काफ़ी मुश्किल और बड़ा काम था। तो साथ ही अगर बात की जाए उनके अवार्ड्स के बारे में, तो बता दें कि काजोल को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस, पद्मश्री बेस्ट विलेन, स्क्रीन अवार्ड फॉर जोड़ी नंबर 1, स्टार डस्ट के साथ साथ और भी कई तरह के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और ये अवार्ड्स जाहिर करते हैं उनकी काबिलियत को, उनकी शानदार एक्टिंग को, उनके उस किरदार को जिस किरदार में जाने के बाद काजोल ने अपनी एक्टिंग से जान डाल दी। उन्होंने अपने करियर में हर तरह की फिल्मों में काम किया और लगभग सभी तरह के रोल प्ले किए हैं। काजोल ने प्रेमिका से लेकर माँ बनने तक के भी रोल किए। वहीं उन्होंने विलन का रोल भी किया है, एक पत्नी का रोल भी किया है, तो एक टीचर का किरदार भी निभा चुकी हैं काजोल।
और हर किरदार को बेहद पसंद किया गया। काजोल, जिनका नाम आते ही लोगों के जहन में एक साधारण सी, सिंपल सी, शर्माने वाली लड़की की छवि उभर आती है। और बिल्कुल काजोल अपनी असल जिंदगी में ऐसी ही है। जहां बड़े पर्दे पर हमेशा उनको साधारण सी देखा गया, तो वहीं बता दें कि अपनी रियल लाइफ में वो सिंपल होने के साथ साथ ज़रा चुलबुली भी हैं और कभी भी कहीं भी कुछ भी कह जाती हैं। यहाँ तक तो जाना हमने उनकी फिल्मों के बारे में। अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अब उनकी माँ तनुजा के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। अगर बात की जाए उनके पिता के बारे में, तो पिता श्यामू मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं। उनकी मासी और नानी भी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि उनमें एक्टिंग का ये गुण और कहीं से नहीं बल्कि अपने परिवार से ही आया है। अब अगर बात की जाए उनकी शादी उनके पति के बारे में, तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काजोल और अजय देवगन की शादी हुई और शादी के बाद दोनों की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हुआ। कहा जाता है कि इंसान को कभी भी किसी से भी प्यार हो सकता है, प्यार अंधा होता है। इस तरह की तमाम बातें हमारे समाज में प्यार को लेकर की जाती हैं। अगर बात करें काजोल के प्यार के बारे में, तो बता दें काजोल ने एक्टर अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर की और उनके दिल में प्यार का ये फूल कब खिला ये तो शायद वो भी ना जानती हो। काजोल और एक्टर अजय देवगन की माने तो दोनों का कहना है कि दोनों ने कभी भी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की। दोनों के बीच कब प्यार हुआ ये बात तो वो खुद भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब दोनों को लगा कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन बता दें कि एक बार अजय ने कहा था कि उनको काजोल पहली बार में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि अजय देवगन जहां चुपचाप से रहने वाले थे, वहीं काजोल बड़बोले अंदाज की थी। इस तरह से दोनों का बिहेव कहीं भी एक दूसरे से मैच नहीं होता था। अजय ने बताया कि फिल्म हलचल के दौरान ये दोनों एक दूसरे से मिले और उस समय पर काजोल उनको बातूनी, घमंडी और लाउड रखती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों की पर्सनालिटी भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन वो मानते हैं कि जो होना होता है वो हो ही जाता है। और आखिरकार अजय और काजोल की सोच से भी परे हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद काजोल ने साल 2003 में बेटी न्यासा को जन्म दिया और साल 2010 में बेटे युग को। अगर देखा जाए तो दोनों की एक कंप्लीट फैमिली है और पूरी फैमिली को संभालने के बाद भी काजोल फिल्मों में काम करती है ये इतना भी आसान नहीं है। वाकई काजोल ने हर चीज़ को बखूबी संभाला है और अभी भी वो फिल्मों में नज़र आती हैं, जिसे दर्शक देखना बेहद पसंद करते हैं। दिखने वाली काजोल की जिंदगी उन्हीं की तरह काफी सिंपल लेकिन दिलचस्प रही, जो बड़े पर्दे पर हमेशा ही मुस्कुराती रहती हैं, जिनको हर बार एक अलग किरदार में और शानदार किरदार में देखा जाता है। वाकई काबिले तारीफ है काजोल। बता दें अजय के साथ भी काजोल की जोड़ी काफी हिट रही है और आज भी दोनों के फैंस ये उम्मीद करते हैं कि काजोल और अजय एक दूसरे के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। लेकिन दोनों ने इस बारे में कहा है कि कोई भी स्क्रिप्ट उनके लिए नहीं बनती और अगर ऐसा होता है तो काजोल और अजय एक साथ जरूर काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटती है। वेल दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन वादा करते हैं फिर से लौटेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी लेकर। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।